السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم أي إيمان والو تم نبي صلى الله عليه وسلم قول راعنا كرو بل كي انظرنا كهو يعني هماري طرف ديكيه اور سنتے رها और काफिरों के लिए दर्दनाक आज़ाब है नज़रन कराम ये कि सूर अलबरा की आयत नंबर एक सौ चार है अल्लाह आयत में ईमान वालों से खसूसी ख़िताब किया एक अदब और एक तरीक़ा सिखाया कि बातचीत और गुफ्तु में ऐसे अल्फ़ाज़ न इस्तेमाल किए जाएँ जो शुभ वाले हों या जिन अलफाज को यहूद नसारा सही लफ्ज़ को बिगाड़ कर गलत मफहम पेश करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हों जैसे रायना रायना के माने होता है हमारा लिहाज और ख़याल कीजिए जाहिर सी बात है कि यह एक लफ्ज़ है रायना तो अल्लाह ने कहा कि अब रायना की जगह तुम उनज़ुरना कहो हमें देखिए हमारी तरफ देखिए हमारा ख्याल कीजिए क्योंकि यहूदी इस लफ्ज़ को बिगाड़ कर राइना कहते थे यानी हमारे चरवाहे या राइना अहमक वगैरह के माने में लेते थे तो शरीयत ने मुसलमानों की ईमान वालों की एक तरबियत की कि मुशतबा अल्फाज या वो अल्फाज जो इस्लाम दुश्मन लोग एहानत के लिए इस्तेमाल करें या अल्लाह के कलाम को ग़लत मफफूम में बदलने की कोशिश करें तो अल्लाह ने उससे बना किया चूँकि कुरान मुकम्मल है क़ुरान के अल्फाज में अब तब्दीली नहीं होगी अब हम अपनी बोल चाल और जबान में जब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे कि लफ्ज़ को खींच तान कर कभी ज़्यादा खींच तान दिए तो माना और मफहम बदल जाता है इसीलिए लफ्ज के हरूफ और मखारिश का भी ध्यान देना चाहिए तो अल्लाह ने ईमान वालों के ईमान का ख्याल करते हुए उन्हें ऐसे उसलूब या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से मना कर दिया जो अल्फाज यहूदी इस्तेमाल करते थे और ज़रा लफ्ज़ को खींच देते ताकि माना बदल जाए कहा कि काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है क़ुर करीम की इस नंबर एक सौ चार में एक हुक्म एक तरबियत की गई ईमान वालों की और तरबियत क्या है कि मुश्तबह अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये पहला उसलूब पहला मसला इस आज से साबित हुआ दूसरा मसला मोमिन आदमी कुदवा होता है ईमान वाला ऐसे अलफाज इस्तेमाल करे गुफ्तु में जो अलफ़ाज मिसाली हों और लोगों के लिए आइडियल हों इसीलिए हदीस में आप देखें कि अल्लाह के नबीम को जवाबलकलम दिए गए लफ्ज छोटे माना खूब ज़्यादा और भारी तीसरा मसला जो से साबित होता है बंदा उन्हीं अल्फ़ाज़ से बुलाया जाए जिन अल्फ़ाज़ से बुलाया जाना वो पसंद करता है जैसे मोमिन ईमान वाला ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है अल्लाह ने जगह जगह या आयूह लदीन आमनु या लदीन आमनु कहा ईमान एक नेमत है ईमान अल्लाह से मोहब्बत की दलील है ईमान नबी से मोहब्बत की दलील है ईमान जन्नत का रास्ता बताता बहुत सारी खूबियों का मजमू है ईमान कुफर से अपनी हैसियत को वाजे करता है ईमान शिरक और नफाक और फिसक़ से बरास जाहिर करता है यानी ईमान ऐसा खिताब है जो समाज की सारी गंदगी से अपने आप को अलग ज़ाहिर करता है तो मोमिन के लिए अल्लाह ने कहा यह अल्लादीन आ मनु ये पसंदीदा लफ्ज था ईमान वालों के लिए अल्लाह ने उसी से खिताब किया चौथा मसला जो ऐसा से साबित होता है ऐसे अल्फाज ऐसे जुमले कभी ना इस्तेमाल किए जाए जिनके माना और मफहम में तब्दीली करके लोग बुरा भला कहें या जुमले इस्तेमाल करके मफहम को बदल दें खास तौर से वो अल्फाज जो यहूद नसारा या दुश्मनों के लिए किसी नुकते का जरिया बन जाए किसी हीले का अल्फाज के इस्तेमाल में तौल और नाप कर परख करके इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए पाँचवा मसला वो लफ्स जिससे हक और बातिल दोनों समझ में आए उसको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए छठा मसला कुफार की मुशाबहत से बचना चाहिए मुशाबहत चाहे ईमान में हो अकीदे में हो अमल में हो आदत में हो तौर तरीके में हो तमाम चीज़ों में उनकी मुशावहत से बचना चाहिए इसलिए कि अल्लाह के नबी सल फरमाते मन तशबह बेमिनफो मिनहम जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार किया वो उन्हीं में से है सातवां मसला जो ऐसा ऐसे साबित होता है कि जब किसी चीज़ से मना किया गया किसी लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से तो उसका नेमल बदल दिया गया कहा कि ला तु रा रा माने हमारा ख्याल कीजिए मत कहो क्योंकि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल को खींच करके रायन हमारे चरवाहे माना पूरा बदल जाता है रमक बेवकूफ़ तो कहो उन ना तो किसी एक दरवाजे को बंद किया जाए तो दूसरा दरवाज़ा खोल दिया जाए आसानी के लिए इसलिए बात दानश्वरों ने लिखा कि सिर्फ़ कानून बनाने से नहीं होता है आप कानून बनाइए और कानून बनाने के साथ उसकी पाबंदी के रास्ते हमवार कीजिए कानून जुल्म करने के लिए नहीं बनाया जाता है कानून लोगों को सिस्टमेटिक और कायदे तौर तरीके से रहने के लिए बनाया जाता है किसी चीज़ से आप मना करेंगे तो आदमी शायद न रुके लेकिन जब मना करने के साथ आप कुछ और उसे दे दें ऐसा नहीं ऐसा करो तो शायद वह रुक जाए पच्चीस तीस साल पहले जब सऊदी में मकातब कायम हुए थे तीस 35 साल पहले ये नेट टी वी सीरियल वगैरह का दौर बहुत कम था बड़ी बड़ी वीडियो कैसेट चलती थी टेप रिकार्ड की कैसेटों से लोग गाने उन्हें सुनते थे तो अब उसमें ये एक मैटर था कि जब हम लोग कहीं दावत के लिए जाते थे दावत देने तो किसी से अगर आप कहें कि गाना मत सुनो फिल्में न देखो तो वो ये कहता कि फिर करें क्या हम ड्यूटी के बाद फ्री हैं आज़ाद हमारा टाइम नहीं कटता है हमारे बाल बच्चे वतन में हैं हमें उनकी याद आती है तो हम और टेंशन में रहते हैं तो ये चीज़ जब अहल इल्म के यहाँ पेश की गई आहले इल्म में जो मकातब जालियात के जिम्मेदारान थे और मतवरीन थे तो बड़ा प्यारा हल निकाला कि उनकी गाने की एक कैसटें ले ली जाती थी एक मशीन आती थी उसमें कैसेट डाली और सब डिलीट हो जाता था उनके सामने ही वो मशीन से वो डिलीट करके और उनको उसके बदले दो कैसटें तलावत की वाज की नसीहत की तकरीर की दे दी जाती थी तो खुश हो जाते कि हमें एक के बदले दो कैसेट मिल गई दीनदारी की और हमारी कैसेटों पे अब उसको डिलीट करके अब उस पर फिर दूसरी कैसेट और दूसरा बयान वगैरह उस पर भरा जाएगा दूसरी तकरीर वगैरह भरी जाएगी तो ये बहुत कामयाब मिशन था कि उनकी कैश्टों को डिलीट कर दिया जाता और उनके गाने की कैश्ट ले करके उनको दो वाजो नसीहत की या तिलावत की कैश्टें दी जाती थी और यही हर वीडियो का भी था उसको डिलीट करके और उनको दीनी केश्टें दी जाती थी, थी। दुरुस् की तिलावत की बयान की तो यह शरीयत का जो उसूब है कि लातुलरायन वंदरना कि एक लफ्ज़ के इस्तेमाल से मना किया गया और दूसरा उसका नेमल बदल लफ्ज़ दे दिया गया तो आप किसी इस चीज़ से किसी को मना करेंगे तो आपको उसका बदल देना पड़ेगा कोई फजूल काम कर रहा है वक्त ज़्यादा है तो आप रोकेंगे तो आप उसके वक्त के इस्तेमाल के लिए क्या बदल दे रहे हैं फिर वो करें क्या तो ये कुरान का उसलूब है कि जब कोई कानून लाया जाए कोई पाबंदी तो उससे बेहतर लफ्ज़ और बेहतर बदल उनको दे दिया जाए ये उसलूब अल्लाह ताला ने अदा किया सातवां जो मसला साबित होता है अल्लाह के हुक्म की पाबंदी और इत करना अल्लाह ने क्या फरमाया कि वस और सुनो सुनने के बाद क्या रह जाता है उसको मानना और इत करना आठवा मसला इंसान को बदला उसके अमल के लिहाज से मिलता है यहाँ कैसा बदला है वो लोग जो क़ुरान के अल्फाज को बदलते माने को बदलते मुराद को बदलते लफ्ज़ों के हेर फेर से लफ्ज़ी गरी करते तो कहा गया कि रायना मत कहो अंदुरना कहो और जो लोग ऐसा करते हैं वो काफिर हैं मोमिन आदमी कभी कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा नबी की सुन्नत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा अलफाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा नमाज़ या रकातों के साथ इस्लामी शायर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा ऐसा करने वाला काफिर हो सकता है तो कहा वलिल काफी न अदबनआलीम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करना मजाक करना ये कुफ़्र है और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है दसवां और आखिरी मसला जो साबित होता है कि अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करना कुफ़्र की एक किस्म है और जो सज़ा कुफ़्र को मिलेगी वही सज़ा मिलेगी वलिल काफीना अदाबनिम काफिरों के लिए दर्दनाक आज़ाब है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुशतबा अल्फाज को इस्तेमाल करने से बचाए और कुफ़्र की शरपसंदों की जो चालें होती हैं बाद अल्फाज के इस्तेमाल में बाद लोग फरिश्तों का मजाक उड़ा देते हैं या लफ्ज़ को खींच करके माना को बदलने की कोशिश करते हैं ऐसा करना जुर्म है अल्ला में ईमान और अमल साल पर सबातदमी फ़रमाए कुफ्र की चालों से उनके मख् से होशियार रहने की तोफ़ी बख्शे आमीन व सल् नबीना महमद वही वहब ही, ही अजमाइन नाजरेन कराम सूर्बरा की आयत नंबर एक सौ चार के बाद इन शगली मजलिस में आयत नंबर एक सौ पाँच की तबसर के साथ हाज़िरी होगी जब तक के लिए इजाज़त दीजिए ان شاء الله في هذا اليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته